हेलो गाइस, आज आपका चैनल मीरा देवी चैनल जो है आपको सिखा रहा है कुर्ती कैसे बनाई जाती है। आप सीख सकते हो, बहुत इजी बहुत आसान है। सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। और सारी वीडियो देखने के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और ये आपको आज कुर्ती सिलना सिखाएगा, घर बैठे ही सीख सकते हो आप। ये हमारा बैक पार्ट है। और हेलो दोस्तों, आप कुर्ती बनाना सीख सकते हो। मीरा देवी चैनल जो है वो आप ही का ही चैनल है, उस पर सीख सकते हो कुर्ती किस तरह से बनाई जाती है, कौन सा डिज़ाइन किस तरह। हर डिज़ाइन की वीडियो आएगी आपके पास, हर कुर्ती की, सलवार की, फ्लैपर, हर चीज़ की वीडियो आप देख सकते हो अपने चैनल पर मीरा देवी। और हमने बैक साइड का जो गला बनाते हैं, ये वाला गला जो बनाएंगे हम, इसके लिए हमने ये टुकड़े लिए, डबल है ये, आप देख सकते हो इस तरह से। उरे भी पट्टी कटेगी इसके लिए जब हमारा गला कंप्लीट होएगा। इस तरह से उरे भी पट्टी काट लो और गला बना लो, फिर इस तरह से। इसको इस तरह से एक सार कर सकते हो, इसको उल्टा और सीधा देख लीजिए। हमारा कपड़ा उल्टा किधर से है और सीधा किधर से है, तभी सिलाई करिएगा। इसको हम लंबी पट्टी बना लेंगे। फिर हम इसको हमने इस तरह से करके जोड़ के, फिर इस पट्टी को हम ऐसे जोड़ लेंगे, है ना। इसको फिर इस तरह से कटिंग कर लीजिए, फिर ऐसे रख के। ये उरे भी पट्टी बोलते हैं इसको। अब हम इसको पट्टी को गले पर रखेंगे, हम उल्टा देखेंगे इसका उल्टा किधर है और सीधा किधर है। ये हमारा उल्टा है, लेकिन हम इसको इधर से सीधा कर लेंगे, सीधे की साइड रख करके। इसको यहाँ से इकसार कर लेंगे और इस तरह से हम इस तरह से रख के, यहाँ से रख के यहाँ से चारों साइड हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ को। देखो हमने इधर से सिलाई, ये सिलाई हमारी गले की कंप्लीट होने वाली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट मार लेंगे, इसलिए इस तरह से। फिर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से। ये अब हमने इस तरह से सिलाई लगा ली।
ये हमारा गला कुछ इस तरह से बन गया। ठीक, अब हम फ्रंट का गला और बैक साइड का एक साथ रख करके इनको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। फ्रंट का गला हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है। यहाँ यहाँ सिलाई लगा लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। दोनों मुड्ढों पे हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों मुड्ढों पे यहाँ यहाँ और यहाँ सिलाई लगा ले। ये हमारे इस तरह से जॉइंट हो गया, इस तरह से। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट, फ्रंट गला। ठीक, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा बैक, दोनों कंप्लीट हुए। अब हम यहाँ आस्तीन पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी इस तरह से फोल्ड कर करके और इस तरह से, इस वाली आस्तीन पर भी हम ऐसी लगाएंगे और इस वाली आस्तीन पर भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है, तो हम उल्टे की साइड को फोल्ड करेंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से हम दोनों पे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी दोनों आस्तीनों पर इस तरह से सिलाई आप देख सकते हैं, इस पे भी हो गई और इस पे भी हो गई। दोनों आस्तीनों पर हमारी सिलाई हो गई। अब हम इनको बीच से रख करके इस तरह से रख के हम यहाँ एक कट मार लेंगे छोटा सा। हम फिर अब जब आस्तीन ज्वाइंट करेंगे अपनी कुर्ती में, और दोस्तों आप सीख सकते हो सिलाई हमारे YouTube चैनल पे। अब हम आपको बताएंगे कि कुर्ती पे आस्तीन कैसे ज्वाइंट होती है। अब हमने कुर्ती यहाँ रख दी और इसको इस मुड्ढे पे, इधर की ये गला है ना हमारा, तो इधर मुड्ढे की साइड हम इसको इस तरह से यहाँ से रख देंगे बीच सेंटर से, और यहाँ को सिलाई लगा देंगे, यहाँ को सिलाई लगा देंगे हमारा आस्तीन। अभी आपको सिलाई लगा करके दिखाते हैं। अब आपको हम ये आस्तीन लगानी सिखा रहे हैं। इस तरह से कुछ हमारे इस तरह से आस्तीन लगेगी, दूसरी आस्तीन भी इस तरह से ही लगेगी जैसा हम आपको इस पे दिखा रहे हैं। ये वाली आस्तीन फिर हम इसको इधर से उठा करके यहाँ को ऐसा रख देंगे। देखिए आप देख सकते हैं अब हमारी दोनों आस्तीन ज्वाइंट हो गई, ये वाली भी है ना, ये वाली आस्तीन भी हमारी लग चुकी और ये वाली आस्तीन भी हमारी लग चुकी। अब हम इसमें हम फिटिंग मारेंगे। फिटिंग जितनी जिसकी होती है वो उतनी रखेगा। किसी की फिटिंग ज्यादा होती है, किसी की कम।
फिटिंग भी हम आपके सामने लगाएंगे, आप देख सकते हो। जैसे हमने अपनी कुर्ती इस तरह से रख दी और इसको इस तरह से कर लिया, कुछ इस तरह से कर लिया हमने। हमने 1.5 इंच इधर से लिया, तो 1.5 इंच हमने, 1.5 इंच हमने इधर कोने से लिया, इस वाली साइड से, इस वाली आस्तीन से, ठीक। आप देख सकते हो तो बीच में हुआ हमारा 17 इंच, 17 इंच उनको फिट आएगा, ठीक है। अब आई हमारी कमर की, कमर का जो ढाल होता है तो हम उसको 7 इंच पे देते हैं ना, तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम 7 इंच पे इधर से निशान लगा करके, 1.5 इंच हमारा इधर है तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पर रहेगा, देख सकते हो आप, 1.5 इंच हमारा ये है, इसको इस तरह से कर देंगे। अब हम कमर को देखेंगे कि कमर की कितनी हुई, कमर हुई हमारी 14.5 यानी कि फिक्स है, तो आप भी इस तरह से ही ढाल लगा सकते हो, जो बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया आएगी। साढ़े 13 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, जो हम चाक खोलते हैं 13.5, ठीक। और 1 इंच हम यहाँ 1 इंच, मात्र 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ हम दामन जो चाक खोलते हैं उसको मोड़ते हैं, तो यहाँ ज्यादा नहीं लेते। अब यहाँ हम नापेंगे कि हमारा बीच का कितना बना, हमारा यहाँ बना 19, ठीक है। इसके ही अनुसार हमारे दावन हो जाएंगे। अब हम सिलाई लगाते हैं। अब एक बार हम और अपनी आस्तीन पर निशान लगाएंगे। आस्तीन का जो फिटिंग है हमारी 6 इंच की है, तो हम 6 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे, जिससे हमें सिलाई लगाते समय कोई दिक्कत ना हो, और इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। हेलो गाइस, आप भी इस तरह से ही सिलाई कर सकते हो। आप अपने चैनल पर देख के, मीरा देवी चैनल पर देख के सिलाई कर सकते हो, बहुत आसान, बहुत इजी है। अब हम इसको यहाँ सिलाई इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इधर की साइड भी हम कुछ इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई लगाने स्टार्ट की। जहां पे हम चाक खोलते हैं वहां से हम सुई इधर को ही घुमा लेते हैं, जिससे हमारे जो चाक है वे ताकि निकले ना, बस इस तरह से हमारी डबल सिलाई हो जाती है। अब हम जो चाक मोड़ते हैं ना, वह चाक मोड़ने आपको सिखाएंगे। ये हमने चाक को इस तरह से करा और इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो हम इसको यहां से सिलाई रखी। यहाँ पे हमने मशीन रखी और चाल हमने बड़ी कर दी।
जिसको जिससे हमने हमें तुरपते समय तुरपने के बाद हमें उधेड़ने में दिक्कत ना होए, आसानी से उधड़े लंबी चाल, इसको हमने लंबी चाल इसीलिए करी। और इस तरह से हमने इसको ऐसा कर लिया। जो हमारे दोनों दावन हैं हम इस तरह से ही कुछ इस तरह से ही मोड़ेंगे। इसको सुई को यहाँ ला करके रोकना और फिर इस तरह से हम इसको घुमा देंगे। अब इस दामन को हम इधर ले वाले, यो जो इधर का दामन है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बस, और इसको इस तरह से घुमा देंगे। जिस तरह से हम ये वाला दावन बना रहे हैं चाक, तो इस तरह से ही हम इधर का बनाएंगे। दोनों को सेम बनाना है। अगर जो हमारे इस तरह की पट्टी हो, बॉर्डर हो सूट के लिए, तो हम इसको इस तरह से, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, हम नीचे से बॉर्डर ऐसा फोल्ड करके और इसको बॉर्डर को हम इस तरह से कटिंग रख देंगे इस तरह से। और यहाँ हम इस तरह से सिलाई लगा लाएंगे यूं, और यूं सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा देखो, इस तरह से हमने सिलाई मार के कंप्लीट किया। अब हम ये कुर्ता हमारा हुआ कंप्लीट। और हम अभी हम इसको बैक साइड को वो कैसे जोड़ते, इसको इधर से इकसार कर लीजिए और यहाँ इस तरह से पकड़ लीजिए। बस इसको इस तरह से करके यहाँ सिलाई लग जाएगी। ठीक, अभी हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं।